तो ये है रिंगस स्टेशन, और बेस्ट ट्रेन है अगर आप टनकपुर से अजमेर राजस्थान की तरफ आ रहे हो तो ये ट्रेन निकलती है लगभग पौने 7 बजे, सॉरी 7:45 बजे पीलीभीत से। ये अजमेर का रेलवे स्टेशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 100। तो यात्रा होती है शुरू और अभी अपनी ट्रेन आ चुकी है। थैंक गॉड कि आज हमारे पास टिकट भी है, तो कोई भागम भाग नहीं होने वाली, लेकिन 48 घंटे का सफ़र आज भी है। तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा करीब 14 तारीख को दोपहर में 1 बजे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है। लो प्रभु का नाम, ट्रेन चल दी है। अब ये ट्रेन हमें छोड़ेगी अजमेर और दूसरी ट्रेन हमें मिलेगी अजमेर से, जो कि रात के 8 बजे दूसरी यात्रा शुरू होगी। फिलहाल अभी हम ये जो टनकपुर से अजमेर दुराई के लिए जो ट्रेन, वो अपने सही समय से यहाँ से निकल चुकी है। रात भी हो गई है, थोड़ा आराम कर लिया, एक नींद मार ली और पहुँच गया बरेली। बाकी मिलते हैं कल यानी मॉर्निंग में। ट्रेन की स्पीड तो लाजवाब है और आरामदायक भी है, कम स्टॉपेज हैं, रात में भी कम स्टेशन पे ही रुकी। हेलो, तो मैं पहुंचा हूं अभी रिंगस के रेलवे स्टेशन पे। ये बेस्ट ट्रेन है अगर आप टनकपुर से आ रहे हो और दिल्ली मुरादाबाद होते हो अगर आ रहे हो तो आप डायरेक्टली आ सकते हो। अभी पहुंच चुका हूं रिंगस, अभी 2-3 घंटे और फिर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। अगर आप टनकपुर से अजमेर राजस्थान की तरफ आ रहे हो तो ये ट्रेन निकलती है लगभग 7:45 बजे पीलीभीत से। आपको बता नहीं सकता क्या मौसम है। मेरा मेरा खाने पीने का सामान, मेरा बैग। अभी मैं पहुंच चुका हूँ फुलेरा जंक्शन। बहुत अच्छे स्टेशन है और ट्रेन बहुत अच्छी है। मतलब अगर पीलीभीत से बरेली और सॉरी टनकपुर पीलीभीत वालों को अगर खाटू श्याम आना है, अजमेर जाना है, जयपुर आना है, तो उनके लिए बेस्ट है। जयपुर नहीं जाती है, फुलेरा और किशनगंज से ये अजमेर की तरफ चली जाती है, तो अजमेर का बेस्ट है। तो अगर आप लोगों को आना है ना खाटू श्याम जी, तो ये ट्रेन बेस्ट है टनकपुर पीलीभीत मुरादाबाद बरेली वालों के लिए, क्योंकि आप दूसरी ट्रेन बस से आप आओगे तो परेशान हो जाओगे, तो बेटर है इसी ट्रेन से आ जाओ। ये ट्रेन जयपुर नहीं जाती है, फुलेरा किशनगंज होते हुए सीधे अजमेर चली जाती है। बाकी अभी मस्त मौसम हो रहा है, बारिश भी हो रही है, बाकी देखते हैं। अभी हम पहुंचे अजमेर, ये देखिए आ गया रेलवे स्टेशन अजमेर का। तो अभी तो राइट टाइम पहुंच गए, बाकी देखते हैं। बेस्ट ट्रेन एवर, तो कभी भी आपको आना है तो इसी ट्रेन से आओ। बाकी तो सब डायरेक्ट ट्रेन, अभी यहाँ से ट्रेन है रात को, तो मुझे अभी 2-3 घंटे ऐसे ही एंजॉय करना होगा। अभी कुछ दोस्त हैं, वो लोग आ रहे हैं मिलने,
तो देखते हैं क्या होता है। पहुंच गए हम प्लेटफॉर्म अजमेर। अजमेर में आपका स्वागत है। पहुंच गए अजमेर। अभी ट्रेन रुके तो फिर बात है। काफ़ी दिनों के बाद मैं अजमेर पहुंचा हूं। लास्ट जब नवंबर 2023 में मैं आया था। अब अगस्त 2024 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 10 महीने बाद आया। अजमेर की जय हो, जय हो पुष्कर महाराज। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं अजमेर। तो अभी जाना है बाहर, फिर देखते हैं। अभी एक दोस्त हैं, वो आ रहे हैं मिलने। दोस्त हैं, वो आ रहे हैं मिलने, देखते हैं क्या होता है। लेकिन राजस्थानी दोस्त अच्छे हैं, दिल से दोस्ती करते हैं, दिल से। जल्दी जल्दी चलना है, जल्दी जल्दी चलना है, पुल पार करना है, फिर शाम को ट्रेन पकड़नी है। पहुंच गया निकासी। ये है अजमेर का रेलवे स्टेशन। तो मैं पहुंच गया हूँ अजमेर। चलते हैं, जो दोस्त आ रहे हैं ना लेने, इसका इंतजार करते हैं। तो घर जाने के लिए कुछ ले लेते हैं, कुछ स्वीट्स वगैरह, क्योंकि पहली बार घर जा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो बनता है। तो देखते हैं पहले स्वीट्स की दुकान कोई अच्छी सी, फिर उसके बाद। तो स्वीट्स वगैरह ले ली हैं और वो भी आ ही चुके हैं। तो वैसे ब्लॉग हो रहा है लंबा, क्योंकि 7 से 8 मिनट का ब्लॉग मैंने आज तक नहीं डाला है, तो फिलहाल तो ब्लॉग हो गया लंबा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो घर जाने का जो ब्लॉग है, जहाँ जहाँ घूमने जाएंगे उसका, और प्लस जो रात की ट्रेन है उसको पकड़ने तक का एक एक सिंगल ब्लॉग बना देते हैं। तो फिलहाल आप जो अगला ब्लॉग है वो भी देख लेना। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को अभी यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने मिठाई वगैरह ली है, वो आ रहे हैं, और घर जाना होगा तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है उसको भी देख लीजिए।